गरम गरम लड्डू सा सूरज लिपटा बैठा लाली में, सुबह सुबह रखाया कौन इसे आसमां की थाली में। मूंदी आंखें खोली कलियों ने, चिड़ियों ने गाना गाया, गुनगुन करते भौरों ने खिलते फूलों को पहचाना। तभी आ गई फुदक फुदक कर एक तितलियों की टोली, मधुमक्खियों ने मधु रस लेकर भर डाली अपनी झोली। गरम गरम लड्डू सा सूरज लिपटा बैठा लाली में, सुबह सुबह रखाया कौन इसे आसमां की थाली में। तो ये बहुत खूबसूरत सी पोएट्री थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, आपको कैसी लगी? और मैंने सोचा कि चलो इस खूबसूरत सुबह के साथ जो है इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और आपके साथ जो है इसे शेयर करते हैं। और ये पोएट्री मैंने नहीं लिखी, हाँ मुझे लिखने का शौक़ ज़रूर है, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में अपना लिखा कुछ आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था आज सुबह सुबह, मतलब इस तरह का खूबसूरत मंज़र देख करके, तो बस दिल जो था वो आपके साथ इस पोएट्री को शेयर किए बगैर रहा ही नहीं गया। तो सुबह जो है, सुबह उठना वैसे भी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, और अब तो मौसम भी बदलने लगा है। अब ऐसा मौसम नहीं हो रहा है कि आप लिहाफ में लेटे रहिए और 9 बज जाए, 10 बज जाए, 11 बज जाए, 12 बज जाए, और ये बिल्कुल सुबह है, यानी जो है 6 o'clock हो रहा है। तो बस मेरा जो है, मेरी चाय वगैरह जो है बस अब बनाएंगे, क्योंकि मेरे घर में मेरे बच्चे जो है वो चाय पीते ही नहीं हैं, और अम्मी पापा जब फजर के टाइम उठते हैं तो उनकी चाय हो चुकी होती है, और फिर जब उसके बाद हम उठते हैं तब उसके बाद जो है अपनी चाय हम खुद बनाते हैं, क्योंकि अम्मी सुबह उठ के अपनी चाय बना लेती हैं और हमने उनसे मना कर रखा है मेरी चाय मत बनाया करिए, क्योंकि फिर बनी हुई चाय रखी रहती कई घंटों तक, तो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो चाय पीना। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी बेटी की फैमिली? आई होप खुश है, मज़े में है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और सुबह के जो है 7 बज गए हैं, और चलिए हम आपको अपने यहाँ की खूबसूरत सी सुबह से रूबरू करवाते हैं। बहुत खूबसूरत सुबह है, सब तरफ चिड़िया चहचहा रही हैं, और कभी कभी कौवे भी काँव काँव कर देते हैं लेकिन चिड़ियों की चहचहाहट बहुत खूबसूरत लगती है सुबह सुबह। सुनिए है, बहुत प्यारी सुबह है, और मन करता है कि ऐसी सुबह जो है कभी ख़त्म ही ना हो। और शाम और सुबह तो वाकई में खूबसूरत होती है, और मुझे इस तरह से कुदरत को देखना, उसे महसूस करना बहुत पसंद है। तो चलिए चाय वगैरह बनाते हैं, सुबह की शुरुआत करते हैं, है ना? अभी कोई उठा नहीं है, सब तरफ सन्नाटा है। उठ भी जाते हैं कुछ लोग, लेकिन नमाज़ पढ़कर फिर से सो जाते हैं। चलिए फिर चाय पीते हैं। तो अब जो है आ गए हैं बावर्ची खाने की जानिब, और फटाफट से चाय बनाएंगे और मलाई ब्रेड, माय फेवरेट। बस जो है अगर आपके बच्चों को भी पसंद हो तो आप बस इसके ऊपर शुगर स्प्रिंकल कर दें, बस एक अच्छी सी स्वीट डिश भी तैयार हो जाती है। जब आप ब्रेड के ऊपर मलाई कोट करें और उसके ऊपर शुगर जो है स्प्रिंकल करके फिर उसके बाद उसे जो है नॉनस्टिक तवे बनाएं तो बहुत ही मज़े की लगती है। तो हम शुगर तो स्प्रिंकल नहीं करते क्योंकि मुझे मलाई ब्रेड चाय के साथ लेना होता है, और ये बात हमने आपके साथ कई बार शेयर की है कि आप खुद इस को ट्राई करके देखिएगा, आप फिर बटर ब्रेड खाना भूल जाएंगे, फिर आप मलाई ही लगा के खाएंगे। और कई दिनों से सोच रहे थे कि अपनी अलमारी को सेट करूं, लेकिन जो है मौका ही नहीं मिल रहा था। लेकिन आज हमने कहा आज नाश्ते में भले ही ताखीर हो जाए, यानी लेट हो जाए, लेकिन आज जो है अपनी अलमीरा जो है हम सही करके रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा मैंने इसके अंदर फैला के रख दिया था, तो शादी में भी जाना हुआ कई कई बार, और
लखनऊ भी जाना हुआ तो मेरे सारा सामान बस ऐसे 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 करके रख देते थे, लेकिन अब जो है आज हम इंशाल्लाह ताला अलमीरा अपनी लगा के रहेंगे। और मालूम है बहुत सारा टाइम लग गया, फिर जल्दी जल्दी जा कर के हमने नाश्ता बनाया और सारा दिन ऐसे काम में निकल जाता है। और आज हम वॉइस ओवर कर रहे हैं, तब भी आज भी मेरे पास इतना काम था, यानी कि वेडनसडे को। और रेसिपी भी हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ज़बरदस्त सी अचारी चिकन की, जो आपको आगे देखने को मिलेगी, क्योंकि मैंने जब अपना शॉर्ट वीडियो डाला था तो हमने कहा था कि आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आने 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 वाले हैं हम। रेसिपी का नाम तो नहीं शेयर किया था, लेकिन हाँ आप बता दिए कि अचारी चिकन है, तो उस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। कुछ डिफरेंट सा उसका टेस्ट होता है, जो रोटियों के साथ बहुत ही मज़े से आप खा सकते हैं और आपकी फैमिली में भी सबको बहुत पसंद आएगा। तो बस अलमीरा लगाया, नाश्ता बनाया, मम्मी पापा को खुद भी किया, बच्चों को भी कराया, उसके बाद पूरा घर का काम करने के बाद से मुझे नहाना भी था, तो बस नहा करके धूप में आ गए। बस मेरा नहाना धोना हो गया है और बाल सुखा रहे हैं धूप में बैठ करके। बहुत काम किया है लेकिन आपके साथ शेयर नहीं कर पाए। अपनी अलमीरा लगाया वो आपने देखा ही देखा, उसके बाद किचन में जो है पोछा, किचन की सफाई, और जिस काम के लिए ऊपर चढ़े थे कि आज जो है फ्रिज साफ़ कर लेंगे, तो फ्रिज साफ़ नहीं हो पाई। इंशाल्लाह ताला कल ज़रूर से ज़रूर फ्रिज को साफ़ करना है। और यार मेरे यहाँ मोहल्ले में एक बेबी गर्ल हुई है, आज उसको हुए जो है हमें लगता है 2 महीना हो रहा होगा, लेकिन वो इस कदर रोती है, हर वक्त रोती रहती है, हर वक्त रोती रहती है। वो न्यू है, यहाँ शिफ्ट हुए हैं, 1 साल हो रहा है, लेकिन उनके यहाँ घर से किसी का आना जाना नहीं, मतलब वो मोहल्ले में किसी से मतलब कोई रابطہ नहीं है, ना कोई उनके घर जाता है ना कोई आता है। उनकी बच्ची इस कदर रोती है, इस वक्त भी बहुत रो रही है, और मुझे इतना ख़राब लगता है किसी का रोना होना, वो भी बच्चे का तो देखा ही नहीं जाता है। हम बार बार सोचते हैं कि हम जाएँ और पूछें उनसे जा करके कि मतलब ये क्यों रो रही है। मैंने एक दिन उसके भाई को रोक करके पूछा, वो मतलब 8-8 साल का होगा या 7 साल का होगा, मैंने उसे रोक के पूछा कि क्या बात है, तुम्हारी छोटी सी जो बहन है वो बहुत रोती है, कहीं उसकी हंसली तो नहीं फूली, जो हंसिया होती है ना हाथ की, अक्सर बच्चे उठा लेते हैं उखड़ जाती है, पता नहीं क्या वजह है, तो जो है वो रोया करती है। लेकिन मेरा दिल मान नहीं रहा है और हम जाएंगे ज़रूर पता करने के लिए कि वो क्यों रोती है इतना, बहुत रो रही है, बिल्कुल जान दे के रो रही है। और आज मैंने इयररिंग्स पहने हैं, ये देखिए खुद की बाज़ार से लाए थे, छोटे छोटे हैं है। और आपने एक चीज़ नोटिस की, आज मैंने अपना फेवरेट कलर पहना है, और दिमाग जो है डिस्टर्ब है बहुत ज़्यादा, और अभी सोच रहे हैं कि क्या पकना है दोपहर के लंच में। वही दाल चावल, लेकिन अरहर की दाल नहीं बनाएंगे, सोच रहे हैं चने की दाल बना लें और चावल बना लें, है ना। चलिए फिर बनाते हैं कुछ, और बालों को ड्राई करके थोड़ी देर में आपसे फिर अपने बावर्ची खाने में मुलाकात होगी। और ये देखिए मैंने आज बहुत सफाई की है, 2-3 दिन से हम सिर्फ साफ़ सफाई में ही लगे हुए हैं। ढेर सारे बर्तन थे, फ्रिज वगैरह भी जो है मैंने क्लीन की, और उसके बाद किचन भी सारा क्लीन किया, तो ये नहीं समझ में आ रहा था कि क्या बनाएं। तो रोज़ तो दोपहर में मेरे यहाँ दाल बनती है, बस ये नहीं समझ में आ रहा था किस चीज़ की दाल बनाएं, तो फिर हमने चने की दाल बनाया। अगर आपको चने की दाल की रेसिपी चाहिए होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो जो है हम आपके साथ शेयर कर देंगे। तो बस किचन में आ गए हैं क्योंकि जोहर की अजान हो गई थी, तो बस दाल में तड़का लगा रहे हैं, पापा जी के आने का वक्त हो गया है, और चावल ही बना लिया है, रोटी भी सेक ली है, तो इस तरह से जो है दोपहर का लंच रेडी हो रहा है। तो मैंने आपके लिए रेसिपी शूट करके रखी हुई है अचारी चिकन की, तो चलिए आपको फटाफट से रेसिपी दे देते हैं, जो बहुत ही मज़े की है और आपको अच्छी भी लगेगी। तो यहाँ पर हमने 2 प्याज काट ली है, 3 तेज़पत्ता है, लकड़ी है, लहसुन अदरक का पेस्ट है और 1 टमाटर का पेस्ट है, और इसे कड़वे तेल में ही बनाइएगा तभी मज़े की लगेगी, क्योंकि अचारी चिकन है और अचार में तो कड़वा तेल ही जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही तेल हो गया तो हमने 2 तेज़पत्ता और लकड़ी और प्याज डाल दिया है, और अब प्याज को हम सौते करेंगे। और यहाँ पर देखिए 1/2 चम्मच सौंफ है, और 1/2 चम्मच जो है कलौंजी है, और 1/4 टीस्पून के करीब मेथी दाना है, हरी मिर्ची है, और साथ में जो है 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर है, और 1/2 टीस्पून जो है मिर्च पाउडर है, और नमक जो है आपके
जायके के हिसाब से। तो नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। तो यहाँ पर प्याज जब हमारी थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो गई तो उसके अंदर हमने जो है 2 चम्मच, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। अब इसे जो है हम 5 मिनट भूनेंगे। और उसके बाद 5 मिनट के बाद जब लहसुन अदरक हमारा भुन जाएगा तो हमने एक बड़े से टमाटर को जो है क्या कहते हैं प्यूरी बना ली थी ग्राइंडर में, तो जो है इसे भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। और उसके बाद इसको चलाएंगे, इसे भी हम जो है 3 से 4 मिनट भूनेंगे। और इसका टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट होता है इस चिकन का, तो अभी तक जिसने भी ट्राई नहीं किया होगा उसे वो ज़रूर ट्राई करे। और यहाँ पर जो है तकरीबन 100 ग्राम के करीब दही फैट करके डाल दिया है। याद रखिए आँच तेज़ रखिएगा, चलाते रहिएगा, वरना आपका दही जो है फट भी सकता है। और दही डालने से पहले हमेशा जो है दही को खूब फैट लेना चाहिए ताकि वो स्मूथ हो जाए, उसके कोई एक एक दाना ना रहे, बिल्कुल वो क्रीमी ऐसा हो जाए। और अब इसे खूब चलाइए और 5 मिनट तक की दही को भी आपको भूनना है। और ये देखिए मसाला हमारा जो है अच्छे से भुन गया है, तेल मसाला सब अलग होने लगा है। अब इसके अंदर ये जो सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी, स्याह ज़ीरा भी है, 1/2 टीस्पून के करीब स्याह ज़ीरा है जो काला वाला होता है, 1/2 टीस्पून के करीब जो है सफ़ेद वाला ज़ीरा है, 1/2 टीस्पून सौंफ है, 1/2 टीस्पून कलौंजी है और 1/4 टीस्पून मेथी है। मेथी इसलिए कम पड़ेगी क्योंकि मेथी के दाने कड़वे होते हैं। और 1/2 टीस्पून हल्दी है और 1 टीस्पून हरी मिर्ची है और हसबे ज़ायका नमक है। तो सारी चीज़ें हमने शामिल कर दी हैं। मसाला मैंने फिर से रिपीट कर दिया ताकि मुझसे भी कोई चीज़ अगर रह गई हो, बताना भूल गए हो, ताकि फिर आपको समझ में आ जाए। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इन मसालों के डालते ही और भूनते ही जो है बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी। और मसाला तकरीबन 10 मिनट हमारा भुना, उसके बाद जो है हमने इसके अंदर चिकन जो है शामिल कर दिया है। अब इसे हम 10 मिनट खूब भूनेंगे और मसाला चिकन ताकि जो है अच्छे से भुन जाए। और एक तरफ जो है बना रहे मटर पुलाव, तो इसकी रेसिपी जो है हम ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, अभी जल्दी ही में ही हमने अपलोड की थी तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये जो है मेरे बच्चों को मटर पुलाव खाना बहुत पसंद है, जब तक कि इसका सीज़न रहता है ये लोग मटर पुलाव खाते ही खाते हैं। तो साथ में वही अचारी चिकन है और मटर पुलाव है, थोड़ी सी जो है अभी चपातियाँ भी बना लेंगे। तो 10 से 12 मिनट हमने मसाला जो है भून लिया था, आइए देखते हैं इसकी क्या पोजीशन हो रही है। तो ये देखिए 10 से 12 मिनट हमने मसाला अच्छे से भून लिया था। अब इसके अंदर जो है थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया क्योंकि अभी चिकन को गलना भी है, तो तकरीबन 1/2 गिलास के करीब हमने इसके अंदर पानी शामिल किया है। तो इसे अब हम बनने देंगे, तकरीबन 15 मिनट के बाद इसकी शक्ल हम खोल के देखेंगे कि ये बनकर कैसा हुआ है। और इसमें ज़्यादा जो है जो सालन है उसकी उसको पतला नहीं रखा जाता है, ना ये थिक होता है ना ये थिन होता है, तो ये बहुत मज़े का बनता है। तो मटर पुलाव भी हमारा दम पे लग चुका था, हो गया है। तो देखिए कितने खिले खिले चावल बने हुए हैं। तो बस ये भी ऑलमोस्ट डन है हमारा मटर पुलाव। और चलिए अपनी जो मेन रेसिपी है उसकी तरफ बढ़ते हैं, देखें उसकी क्या शक्ल निकल कर आई है। तो माशा अल्लाह अल्लाह पाक की शान, खाने में बरकत और ज़ायका वही डालता है। हमारी सिर्फ कोशिश होती है कि हम जो है दिल लगा के बनाएं, और जो खाना दिल लगा के बनाया जाता है तो जाहिर सी बात है बहुत ही मज़े का बनता है। तो ये देखिए हमारा अचारी चिकन रेडी है। और जब भी आप खाना बनाएं, कोई भी काम करें, तो बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ें, उसमें बहुत बरकत होती है, बहुत बरकत होती है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ना कभी ना भूलें। तो कैसी लगी आज की मेरी रेसिपी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस रेसिपी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेते हैं इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।